हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि हमने बोला था, बीएड का जो क्लासेस हम चालू करेंगे, और देखिए दोस्तों, आज है 14 तारीख यानी 14/4/2022। आप यहां पे देख लीजिए डेट। मैं थोड़ा सा कलम को चेंज कर लेता हूं, आपको पूरी अच्छी तरह समझाता हूं। ये देखिए, आज है 14 तारीख, और 14 तारीख से कंटिन्यू 12/5/2023 तक रीजनिंग के जितने भी है चैप्टर वाइज, ये चैप्टर वन है, और पर डे एक एक करके चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे और आपको वीडियो के थ्रू से दे देंगे। इससे आपका टाइम कम बचेगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन चैप्टर्स पूछ रहे हैं, और सारा चीज़ जो है एकदम आपके जो सिलेबस है वही से करवाएंगे। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो देखिए, फॉर फुल बीएड कोर्स एंड टेस्ट सीरीज जो हम चला रहे हैं, कब से, ये देखिए 20 तारीख से चला रहे हैं अपने ऐप पे। ऐप का नाम है झार एग्जाम। आप प्ले स्टोर से जाके ये झार एग्जाम ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां से आप जो झारखंड के स्पेशल सिलेबस है टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ पाएंगे, हिंदी को अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, इंग्लिश को पढ़ पाएंगे, और 20 जो हमने रखा है ये 25 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, जो कि आपका 20 तारीख से आपका 12/5/2023 तक चलेंगे, और 13 तारीख को आपका एग्जाम है। आप जाके एग्जाम देंगे, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ये सभी का फी जो है कम से कम 699 रुपया हम रखते हैं, अगर 3-4 महीने का कोर्स रहता है, लेकिन इस साल उतना टाइम नहीं, टीचिंग पीरियड नहीं। आपको बस रीजनिंग का जितने भी चैप्टर वाइज सोल्यूशन किया जाएगा, इंग्लिश आप खुद से कर लो, हिंदी भी कर लो, वहां पे बस कुछ क्वेश्चन लगा लो वहीं से पूछेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड भी कर लो, और ये जो है ओएमआर सिक्स टेस्ट लगाओ, ऐप में जाओ सब पता चल जाएगा। ओनली 100 रुपया लग रहा है ऐप में, ये सारा चीज आप पढ़ पाओगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीएड रीजनिंग चैप्टर वन का टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि एनालॉगी से रहेगा। कल चैप्टर टू पढ़ेंगे, परसों चैप्टर थ्री, उसके बाद उस पर का चैप्टर 4, 5, 6, 8, 9 जितना भी रहेगा सबको करेंगे। तो ये सब अधिक जानकारी चाहिए तो आप चले जाइए कहाँ जी, हमारे ऐप में। मैंने यहाँ पे एक नंबर मेंशन करना भूल गया, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप एक नंबर पे कॉल कीजिएगा। नंबर अभी आपके स्क्रीन में चलेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे, शायद ये नीचे शायद आपको नंबर दिख रहा होगा, वो नीचे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं हमें, ठीक है। तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कर सकते हैं। तो जाके जल्द से ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पे अपना बीएड की कैटेगरी चूज कीजिए और अपना तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बकवास नहीं। चैप्टर वन ये रहा आपका, देखिए ये चैप्टर का नाम है एनालॉगी। एनालॉगी यानी कि सादृश्यता, बोल सकते सादृश्यता। तो इसमें जो होता क्या है, इसमें कुछ नहीं होता है, दो वस्तुओं के जो है रिलेशनशिप्स को आपको बताना होता है, जो कि वेरी वेरी इजी चैप्टर से और बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको बहुत फास्ट में करेंगे, ठीक है ना। दो वस्तुएं या दो घटनाओं जो हो रही है उसके संबंध, जैसे ए का संबंध अगर बी से है तो उसी प्रकार सी का संबंध डी से होगा, इस प्रकार का विभिन्न संबंध होता है। तो इसके लिए कुछ डेटा, कुछ आंकड़े से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर कहीं आपके इन्वायरमेंटल हो गया, या कोई भी हर जगह से आपका क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, इट मे बी पॉसिबल। तो उसके आधार पे ये देखिए कुछ टेबल्स हैं, ये टेबल का स्क्रीनशॉट लो या फिर ऐप में जाओ, ये सारा चीज मिल जाएगा। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे न्यायाधीश का अगर सुनवाई, मतलब न्यायाधीश जो है अदालत जो होता है वहां पे सुनवाई होता है, जिस प्रकार सांसद का विधायक में होता है, डॉक्टर का हस्पताल में काम होता है, शेरिफ जो होता है अपराध को पकड़ने के लिए जाता है, जो अपराध भाग जाता है उसको शेरिफ लोग पकड़ता है, कैंची का कटाई करने का काम होता है, उस प्रकार ये सारे जो है जुराब जो पाँव में पहना जाता है, दस्ताने हाथ, है ना। तो इस प्रकार देख सकते हैं मेजबानी, सत्कार, ये सारे चीज आप ये सारे चीज कर लो, इसमें टाइम में नहीं गवाऊंगा, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, है ना। ये और एक टेबल है, इस टेबल को भी देख लीजिए, जैसे शांति का सफेद रंग, है ना, जैसे राजा का मुकुट, राजा का राजदरबार, है ना, रोजदार, या फिर हस्पताल का रेड क्रॉस चिन्ह से, ये सब चिन्ह है प्रतीक सब, जैसे शौर्य का विक्टोरिया क्रॉस से हम लोग दिखाते हैं, है ना, एयर इंडिया को महाराजा को इंडिकेट करते हैं महाराजा से, है ना, खतरा का सिग्नल लाल होता है, ये सारे जो देख सकते हैं। और हमने यहाँ पे लिया है उपयोग कैसा होता है, जैसे बंदूक गोली चलाना का इसका काम में आता है, खुदाई के काम में फावड़ा आता है, कलम लिखने के काम है। तो ये सारी चीज आप लोग कर लीजिए, ये सारे चीज आपको ऐप में मिल जाएगा, आप कर लेंगे। ये देखिए ये सारे चीज जो है आप उनके अनुसार देख लीजिएगा, इतना सारे चीज कर लेंगे तो आपका ही नहीं क्वेश्चन से छूटेगा, ये पूरा आप देख लेंगे। आइए कुछ उदाहरण हम देखते हैं, मैंने उदाहरण उदाहरण जिस प्रकार वृक्ष जड़ से संबंधित है, देखिए वृक्ष जो है जड़ से संबंधित है, उसी प्रकार धुआं क्या है, देखिए वृक्ष जो है जड़ से बनता है, उसी प्रकार धुआं किससे बनता है, आग से, तो कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन आग हो जाएगा। दो नंबर देखिए, जिस प्रकार अपराधी जेल से संबंधित है, जेल से, तो अपराधी जो रहता है उसको जेल में कैद करके रखता है, उसी प्रकार पिंजरा में, पिंजरा किसके लिए होगा, तोता कबूतर पक्षी या ये
उसी प्रकार पिंजरा किससे संबंधित होगा, तो कहीं ना कहीं ये एक पक्षी हो जाएगा। पक्षी के अंदर ये कबूतर भी आएगा, तोता भी आएगा, गोरिया भी आएगा, ये सभी को हम लोग कैद करके रख सकते हैं पिंजरा में, तो उनके लिए एक जेल बन जाता है। तो इस प्रकार ये मिल जाएगा, मतलब सेम टू सेम रिलेशन पूछता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए विकल्प में संबंध जो है, या जो भी है संबंध है, संख्या जो भी है, अगर दर्जी वस्त्र बनाता है, देखिए यहाँ पे बोल के रखा है, मैं थोड़ा सा बैक कर देता हूँ इसको। हाँ, अगर दर्जी जो है वस्त्र बनाता है, तो कृषक क्या करता है, वो फसल बनाता है, तो कृषक का मेन काम है फसल बनाना, है ना। तो जिस प्रकार वस्त्र जो बनाता है वो दर्जी लोग बनाते हैं, उसी प्रकार जो कृषक जो है फसल बनाते हैं। तो सबसे पहले अब क्वेश्चन में आते हैं, ये क्वेश्चन आपका शुरुआत होता है, ये रहा टेस्ट, यहां से आपका टेस्ट और क्वेश्चन शुरुआत होता है। तो चलिए क्वेश्चन को टेस्ट लगाते हैं, एनालॉजी का जितना भी क्वेश्चन का टेस्ट बन सकता है हम लोग करेंगे इसी आधार पे। ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, इसलिए टाइम नहीं लग रहा है, इसके बाद चैप्टर आएंगे थोड़ा हार्ड होंगे, ओवरऑल जो मतलब आपके लिए हार्ड है, हालांकि आपके लिए तो कोई हार्ड नहीं है, अगर नहीं जानते तो हार्ड ही है, जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको मैं लाइव क्लास भी रख सकता था, लेकिन लाइव क्लास का रखने का क्या फायदा, आपको टेस्ट अच्छा थोड़ा ना होगा। आप हमारे ऐप में जाइए और जाके वहां पे OMR सीट लेके घर पे और टेस्ट लगा लीजिए, क्योंकि मैं अगर यूट्यूब पे लाइव क्लास लूँ तो आपका टाइम वेस्ट होगा, जो चीज आधा घंटा में मैं आपको बताऊंगा वो चीज आपको 2 घंटा लग जाएगा या 1 घंटा लग जाएगा समझाने में, 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन में लग जाएगा। इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड करके बना रहा हूं ताकि आपका टाइम कम बचे, क्योंकि आपके पास टाइम है ही कम, तो उस आधार पे उस टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है, दैट्स व्हाई हम इस तरह रिकॉर्ड करके आपको वीडियो दे रहे हैं, ताकि आपका कोई झंझट झमेला नहीं हो, आप बाद में कभी भी फ्री हो देख लो, सोते वक्त देख लो, कोई दिक्कत नहीं, और सुबह मोबाइल में ऐप डाउनलोड करो, ऐप में जाके टेस्ट लगा लो, ठीक है। चलो यहां तक समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन, संबंध उससे निकालना। देखिए नाटक जो करता है, नाटक वो अभिनेता करता है, नाटक कौन करता है, अभिनेता। तो संगीत सृष्टि कौन करता है, तो संगीत जो गाता है वो गीतज्ञ होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कहने कहने गीतज्ञ को हम लोग बोलते हैं जो अच्छा श्रेष्ठ गाता, श्रेष्ठ है ना, उसी को। टोपी 2 नंबर, टोपी सिर पर लगाया जाता है, तो चश्मा कहाँ लगाया जाएगा, सिंपल सा था, आंख में। बोध गया है कहाँ, बिहार पे, तो तिरुपति है कहाँ जी, बोध गया अगर बिहार पे है तो तिरुपति हम लोग का आंध्र प्रदेश पे है, कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। ये स्टेट का बात किया है, इस प्रकार रिलेशन पूछेगा, देख लीजिए क्वेश्चन कैसा रहता है। मुंबई अगर महाराष्ट्र, मुंबई का महाराष्ट्र का मुंबई, तो त्रिवेंद्रम की दर्जी किसका जी, त्रिवेंद्रम किसका, केरल का, केरल का त्रिवेंद्रम होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हमें। हांगकांग, हांगकांग कहाँ का जी, हांगकांग, चलिए हांगकांग बोली, कहाँ का हांगकांग, हांगकांग कहाँ का जी, हांगकांग अगर चीन का, तो वेटिकन सिटी, आप कुछ देर के लिए सोचो और बताओ कि वेटिकन सिटी कहाँ का होगा, है ना, वेटिकन सिटी कहाँ का होगा थोड़ा सा बता दीजिए, तो हमको भी लगे कि हाँ भाई थोड़ा बहुत आपको आता है, ठीक है। बोलिए सोच रहे होंगे, तो देखिए आप इसका रोम मारिएगा, इसका ऑप्शन बी है रोम, है ना, रोम है रोम, इसको आप मैक्सिको नहीं मारिएगा, क्योंकि बहुत लोग मैक्सिको भी मारता है इसको, तो इसका रोम में है, जो हांगकांग, हांगकांग जो होता है चीन का एक सिटी है, तो वेटिकन सिटी में रोम, रोम में आता है, ये भी एक सिटी है, तो वो रोम में आता है, ठीक है ना। रेशम का कीट, रेशम का कीट अगर रेशम की साड़ी होता है तो नाक क्या होता है, नाक से विष बनता है, अगर रेशम की कीट से रेशम की साड़ी बनाई जा सकती है तो नाक से विष, बोलेंगे सर ये विष बनाकर हम लोगों का क्या फायदा, तो जो कैंसर का पेशेंट होता है, जो कैंसर का पेशेंट होता है उनको ये विष दिया जाता है, उसके कैंसर को जो है मतलब ट्रीटमेंट होता है उतना ज्यादा पता नहीं, लेकिन होता है उसमें, उसमें उनका देखिएगा बाल सब उड़ जाता है, तो बहुत ज्यादा जहरीला दिया जाता है चीज उनको, ठीक है ना। 7 नंबर, अगर कीटाणु बीमारी से संबंधित है, अगर कीटाणु अगर बीमारी से संबंधित है, क्या हो रहा था भाई, ये कीटाणु अगर बीमारी से संबंधित है, ध्यान से दीजिए, कीटाणु अगर बीमारी से संबंधित है तो जंग किससे होगा, जंग अगर कीटाणु है तो आप बीमारी बीमार हो जाते हो, ठीक ना, तो जंग होगा तो क्या होगा, तबाही होगा, अगर जंग होगा तो तबाही हो रहे होना है, तो तबाही होना ना, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो तबाही होगा, अगर आप कीटाणु अगर आपके शरीर में बन रहा था, आपको बीमारी पड़ रहा, तो जंग अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं तबाही होगा वहां पे, कहीं जंग होने से, लड़ाई होने से अच्छा चीज नहीं होता, खराबी होता है। 8 नंबर, देखो कि मछली गलफड़ा से संबंधित है, यानी कि जो मछली श्वास लेता है वो गलफड़ा से लेता है, तो मानव श्वास कहाँ लेता है, नाक से, तो नाक मारेंगे, कुछ लोग फेफड़ा मार देंगे, तो फेफड़ा तो उसका अंदर, लेकिन वो रास्ता बोला है जिस रास्ते से वो श्वास को घुसाता है, तो मछली जो है फेफड़ा से गलफड़े से लेता है, तो मानव जो है कान बोल दे जी, सॉरी कान नहीं जी, नाक होगा, नाक 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 होगा, नाक है ना, नाक होगा, नाक ही है ना, बोल रहे हैं आप, देखिए टिक मार ले दूसरा तरफ, तो सब थोड़ा बहुत होता है। अब अनाज, देखिए अनाज जो है वो गोदाम पे रखा जाता है, अनाज, अनाज का गोदाम, तो जल का क्या होगा, तो अनाज जो है गोदाम पे रखा जाता है, तो जल उसी प्रकार जो है कहाँ होता है, आप बंध बना के, अगर कोई नदी है तो नदी में अगर पानी बह रही है तो आप थोड़ा सा बांध बना देते हो,
और पानी को वहां पे स्टोर कर लेते हो, तो ये बांध हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, बताइए 10 नंबर क्या होगा, सोच के देखो, बहुत खतरनाक वाला है। आप यहाँ पे मारोगे उल्टा, मुझे पता है। पृथ्वी सूर्य से संबंधित है, उस प्रकार चंद्रमा किससे होगा, पृथ्वी या उपग्रह? आप ये दोनों पे तो नहीं जाओगे मुझे पता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह है, सेटेलाइट है। लेकिन यहाँ पे ये, यहाँ पे भी पकड़ना पड़ेगा, यहाँ पे लॉजिक क्या है, ये दोनों का रिलेशन क्या दे रहा है, वही रिलेशन यहाँ पे भी निकालना है। तो यहाँ पे रिलेशन सूर्य और पृथ्वी का एक ही रिलेशन हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा के चारों ओर चक्कर कौन लगा, चंद्रमा किसके चारों चक्कर लगाते हैं, तो पृथ्वी के। इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगाते हैं चक्कर, क्योंकि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होता है सेटेलाइट, वो होता है हम लोग का चंद्रमा ही, और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये आप भली भांति जानते हो। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिख रहा है आई होप। माँ का संतान से वैसा ही संबंध है, माँ का संतान से वैसा ही संबंध है जैसा कि पेड़ का डिश से। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में फंसने वाला बहुत चीज है। यहाँ पे क्या बोलेगा कि माँ, माँ का बेटा है, सॉरी माँ का बेटा होता है, मतलब पुत्र होता है, उसी प्रकार पेड़ का फल होता है ना। तो यहाँ पे फल मारोगे और गलत हो जाएगा कोई। यहाँ पे लॉजिक देखो, क्वेश्चन का एग्जामिनर जो है किस लॉजिक पे देता है वो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपके दिमाग और आपकी चतुराई काम आती है, यहाँ पे कोई भी किसी का मतलब ज्यादा चालाकी नहीं चलता है, इतना जान लो। जो सही वो सही, नहीं गलत तो गलत, वो एग्जामिनर क्या सोच के दिया, दैट इज डिपेंड अपॉन दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये सोच के हमने फल मार दिया तो गलत हो गया, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जिस प्रकार माँ, संतान माँ के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार ये पेड़ जो है जड़ के बिना बन ही नहीं सकता, तो जड़ के बिना ये पौधा उग ही नहीं सकता, इसलिए जड़ इसका सही आंसर होगा कि जड़ के बिना ये पौधा बन नहीं सकता। इसी प्रकार माँ अगर नहीं लेगा तो बेटा कैसे पैदा होगा, तो माँ नहीं तो बेटा नहीं, सिंपल सा ये लॉजिक था। अब यहाँ पे 12 नंबर, दिन का कैलेंडर। अब दिन जो होता है दिन, ये जो दिन को बोल रहा है कि कैलेंडर, दिन को बोल रहा है कि कैलेंडर, ठीक है भाई, दिन को कैलेंडर बोल रहा है, हमें कोई समस्या नहीं है। तो समय का क्या हो जाएगा, तो समय का आप बोलेगा घंटा हो जाएगा, क्योंकि समय जो कैलेंडर में जो है, हम लोग समय को मतलब दिनों की जितनी बहुत उसे कैलेंडर में उतार के हम लोग बताते हैं। तो देखिए जो समय, जो दिनों की कैलेंडर का वैसे संबंध है जिस प्रकार की उसका संबंध किससे है, घंटा से। समय, समय कितना समय हो रहा था, 8 8 बज रहा, 8 घंटा, 10 घंटा, ऐसे कुछ बोला जाता है ना। तो इस प्रकार जो है इस क्वेश्चन का आपको संबंध मिल जाएगा कि घंटा का संबंध इस प्रकार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार दिन कैलेंडर का एक अंग होता है, उसी प्रकार घंटा भी समय का एक अंग होता है। बोलेंगे सर मिनट नहीं होता है, मिनट तो देवे नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है तब तो हो जाएगा घंटा, कोई नहीं, हमसे जो मिनट भी दिया हुआ तो नहीं दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। 13 नंबर देखिए क्या कह रहे थे नंबर जी, जिस प्रकार झगड़ा युद्ध संबंध है, यानी कि छोटी सी झगड़ा करते करते वो बाद में युद्ध का रूप ले लेता है। मान लो कोई अगर दंगा फसाद होता है तो देखिएगा ये बहुत बड़ा युद्ध होता है, जैसे कि अभी जमशेदपुर में बड़ी खतरनाक चल रहा है, तो यही हुआ कि ये युद्ध का ले लेता है ना। उसी प्रकार रोग जब धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे रोग, रोग बढ़ के अगर आप डॉक्टर नहीं दिखाओगे ना, तो वो धीरे धीरे बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के एक दिन महामारी का रूप ले लेता है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा महामारी। अब देखिए ये नंबर 14, वीडियो उसी प्रकार संबंध है कैसेट से जिस प्रकार कंप्यूटर डिस्क से। तो देखिए ये कैसेट में ही वीडियो चलचित्र जो भी लेते हैं आप लोग देखते थे, वो सीडी वाला कैसेट या जो भी कैसेट हो, अब कंप्यूटर में एक जो है हार्डवेयर जो फाइल वगैरह जहाँ स्टोर रहता है उसको बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी, फ्लॉपी डिस्क बोलते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्लॉपी। आप फाइल यहाँ पे नहीं मार दोगे नहीं तो गलत हो जाओगे, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क के अंदर ही जो है हार्ड डिस्क वगैरह ये सीपीयू वगैरह सारे ब्रेन ब्रेन वहीं पे इंस्टॉल्ड रहता है, वहीं पे रहता है, ठीक है ना। 15, आग उसी प्रकार संबंध है राख से, अगर आग जला तो राख हो जाएगा। उसी प्रकार विस्फोट हुआ, मान लीजिए परमाणु बम बम या कुछ भी विस्फोट हुआ, तो वहां पे जो है कुछ नहीं बचेगा, सारा खत्म हो जाएगा, बचेगा तो बचेगा सिर्फ अवशेष, हड्डी वुड्डी एकदम सब खत्म, एकदम वो सब अवशेष सब बचेगा, समझ रहे हो ना। बस यही है तात्पर्य, आसान था। 16 का, जिस प्रकार अदालत का संबंध न्याय से, अब अदालत चल जाओगे तो वहां न्याय मिलेगा, क्योंकि आपको विश्वास है एक अदालत ही ऐसा है जहां पे आपको न्याय देती है। उसी प्रकार अस्पताल जाओगे तो आप वहां पे क्या पाओगे बताओ, अस्पताल जाओगे तो आप वहां क्या पाओगे, उपचार, क्योंकि अगर आपका कुछ कटा फटा है तो उसका उपचार के लिए आप कहाँ जाओगे, आप कहीं ना कहीं अस्पताल ले जाओगे, ये ना कि मेरे पास आ जाओ बोलेंगे सर सिलाई कर दीजिए, इम्पॉसिबल, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है। 17 नंबर, जिस प्रकार राम का संबंध रावण से है, राम जी ने रावण को मारा तो भाई श्री कृष्ण जी ने किसको माना,
सॉरी माना नहीं मारा, तो ये कंस जी को मारा, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया जी, कंस, कंस। ठीक है, 18 नंबर। जिस प्रकार घोड़ा का संबंध घास है, अब घोड़ा भाई घास खाता है, तो इसी प्रकार कार देखो भाई एक सजीव है कि निर्जीव दे दिया है, तो ये पेट्रोल खाता है। चलो भाई ये निर्जीवी वस्तु है, ये भी पेट्रोल खाएगा, ये कार बिना पेट्रोल का ये चलेगा नहीं। बोलेंगे सर केरोसिन से, तो नहीं भैया केरोसिन से नहीं चलेगा, ठीक है ना, ये पेट्रोल से ही चलेगा। जिस प्रकार ड्रामा स्टेज से संबंधित है, यानी कि ड्रामा जो है स्टेज में ही परफॉर्म किया जाता है, इसलिए टेनिस जो है, मैं बता दे रहा हूँ, टेनिस जहाँ पे खेला जाता है उस चीज को बोला जाता है कोर्ट, ठीक है, उस चीज को बोला जाता है कोर्ट, है ना, तो आप याद कर लीजिएगा जहाँ पे टेनिस खेले जाते हैं वहां पे उस चीज को बोलते हैं कोर्ट। तो इस तरह का जो है एनालॉजी को आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी और 10 क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। जिस प्रकार चाक लिखने से संबंधित है, जिस प्रकार चाक चौक जो बोर्ड में लिखने से संबंधित है, उस प्रकार सुई से क्या करते हैं आप, सुई से क्या करते हैं, सिलाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सिलना। अब बोल रहा है कि 21 से 28 तक दिए गए प्रश्नों पहले शब्द का ये कीजिए, उसके बाद जो है आप तीसरे शब्द का संबंध चौथे शब्द बनाइए, तो देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में देखिए ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आ गया, मतलब रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये भी इस प्रकार पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले रीजनिंग का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद रीजनिंग का जब चैप्टर बताएंगे तो हम तो जिंदाबाद है ही हैं जी, कहाँ मर जा रहे हैं, हम थोड़ा ना भाग जा रहे हैं, अभी हम जिंदा हैं जी, अभी सब कुछ आपको बताएंगे, डोंट वरी फॉर दैट, आई एम हेयर फॉर यू। ठीक है, मैंने आपको कहा कि ये सब चीज को पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज जानना पड़ेगा, तो आइए बेसिक चीज को अभी हमने लिखा और आपको दिखा देता हूं, ताकि आपका टाइम कम हो, बचे कम लगे, मतलब देखिए ये सारी चीज आप अगर आपको याद रह गया तो आप सारा कुछ कर लोगे। देखो आप ये तो कहने के जानते हो कि A1 में आता है ABCD, इधर 13 लिखे M तक, और इधर हम उल्टा करके लिखे NOPQRST, नंबरिंग कर लिए, एक ए का नंबर एक, दो का नंबर बी, तीन का नंबर सी, चार का नंबर डी, इस प्रकार देखिए नंबरिंग कर रही, ए से लेकर 26 तक हमने नंबरिंग करा, आपने देखा। अब ये इसका उल्टा भी होता कि A4Z, तो कैसे याद रखेंगे, देखिए बहुत आसान ट्रिक है, खाली ये सब चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला क्या है सर, तो देखिए थोड़ा सा रुकिए, मैं कलम तो थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट, थोड़ा कलम किधर गया जी, हाँ अब आ गया कलम, ये देखिए ये रहा हमारा क्या है, देखिए ए का जेड होता है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, सी का एक्स होता है, डी का अबलू, जैकलिन फर्नांडिस से आपका याद हो जाएगा ये, और एम के बाद एन होता है, ये तो आप जानते हो, इसके बाद ये चेंज करता है एम एन, तो एम के बाद एन होता है, ये आप जानते हो चेंज होता है, तो ये सारी चीज आपको याद रखना, बाकी आपको याद करा देता हूँ। ए का जेड होता है, हो जाएगा पहला लेटर, हो जाएगा एम एन तो हो ही जाएगा क्योंकि लास्ट लेटर है, जैकलिन, जैकलिन से जेक्यू हो जाएगा, जैकलिन फर्नांडिस, जैकलिन फर्नांडिस यानी कि जेक्यू आता, जैक 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 जैकलिन, जे के जे क्यू जैकलिन, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। और ये देखिए D4W, है ना, यानी कि डाउन, अगर आप डाउन से याद करना चाहो डाउन, तो डाउन टर्म में डीवी है डब्ल्यू है, आप याद कर सकते हो D4 डाउन, ये सारी चीज आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद ये संख्या देखिए इजोटी, इजोटी एक टर्म है, इजोटी ये पांच पांच वाला संख्या है, पांच के मल्टीपल वाला, देखो पांच में ई आता है, 10 में आपका जे आएगा, और 15 में आपका देखिए ओ आएगा, 20 में आपका टी आएगा, और 25 में आपको ये आएगा, तो ये डायरेक्ट याद करने का रहा कि 5 10 ई, इजोटी करके आप तुरंत याद कर लोगे कि ये सारी चीज, आप थोड़ा रिविजन करना हो जाएगा। अब एक लव टर्म होता है, लव, लव में देखो आप, लव में क्या है LO और V, तो देखो कहीं कहीं आपको मैं दिखा दूं, देखो एल का देखो यहाँ पे ओ होता है, तो लव एक याद रखिएगा आपका हो जाएगा लव 4, LO से आपका LO एल का ओ उल्टा, ठीक ना, और VE, ये देखो VE, और दोनों को जोड़ेंगे तो देखिएगा 27 कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक है, ये आपने जाना। अब नेक्स्ट वाला GT, देखो यहाँ पे GT, देखो उससे अच्छा उफ कर लेते, उफ उफ तेरी अदा, एक सॉन्ग सुने होंगे, या उफ गलती हो गई है मेरी से, उफ इतना छोटा गलती कर दिया मैंने, अगर आप कुछ चीज बना रहे हो तो बोलते हो उफ इतना, तो ऊ एफ उफ 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 बोलिएगा तो UF हो जाएगा, UF हो जाएगा, है ना, तो UF यानी उफ तेरी अदा, बस याद हो जाएगा। चलो याद हो गया हमें, ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया, ये भी। अब GT, अब GT रोड, GT से आप GT रोड याद कर सकते हैं, GT रोड हो गया, GT रोड से आप GT, जी जी का उल्टा T और T का उल्टा G, है ना, तो GT रोड हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब HS से हाई स्कूल,
एच एस मतलब हाई स्कूल, देखिए एच एस मतलब हाई स्कूल, तो हाई स्कूल से याद रखिएगा एच एस हाई स्कूल, जब भी एच का उल्टा बोलेगा या एस का उल्टा बोलेगा तो हाई स्कूल। यहाँ पे आईआर का मतलब क्या होता है, आईआर बोले तो इंडियन रेलवे, आप याद रखिएगा इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे से आपका याद हो गया, ये इंडियन रेलवे से उल्टा आपका याद हो गया, चलो हमें कोई दिक्कत नहीं, इंडियन रेलवे से हमें याद हो गया कि आईआर होता है। जेक्यू का बोले हमने आपको कि जेकलिंग से याद रखिएगा, और केपी से केपी ठाकुर एक ग्रामर आता है इंग्लिश का, इंग्लिश क्योंकि आप लोगों का सिलेबस में है तो आप लोग को पता होगा केपी ठाकुर, तो केपी या पीके, पीके पीके मूवी देखे हो ना, तो पीके मूवी या फिर केपी, केपी ठाकुर का ग्रामर बुक कुछ भी करके याद करो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता हमें, तो ये कर लो। और एल ओ का तो बता दिए, एम एन तो बता दिए, ये पहला लेटर लास्ट लेटर है, तो एम का एन और ए का जेड हो ही जाएगा। तो आई होप इतना आपको याद हो गया है, अब क्वेश्चन को लगाते हैं हम, इतना कर ले आप रिविजन कर लेना, दो स्टेप चला गया। देखो 21 नंबर कह रहा है कि ए का सी है, ए का सी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि ए, ए का सी, तो यहाँ पे डायरेक्ट कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे साम तो लिखा कि ए लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे जेड, फिर बी लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ जी, फिर वाई लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या कर दिया, अब देखो यहाँ पे किया है क्या, यहाँ पे किया है क्या जी, किया है क्या बोले, तो क्या किया है, अब इसका ए का जानते हैं ये एक होता है, इसका 26 होता है, इसका कितना होता है 2 होता है, और इसका कितना 25 होता है, ये सब नंबर ही जानते हैं आप, अभी और शॉर्ट में आपको बताएंगे हम ना, ठीक है। और इसका लिखा कितना जी, देखिए इसका लिखा कितना है, इसका कितना लिखा है, इसका कितना लिखा है, इसका कितना लिखा है, इसको 3 बोला है, देखिए सी मतलब 3, आपको पता है 3 अभी सी हमने बोला, फिर लिखा एक्स यानी कि कहने के 24 लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है जी डी, डी यानी कि 4 लिखा है, उसके बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू कहने के 23, आप देखिए क्या कर रहा है इन सब पे, इसमें 2 जोड़ रहा है तो इस पे 2 घटा रहा है, इस पे 2 जोड़ रहा है तो इस पे 2 घटा रहा है, इसमें 2 जोड़ा, तो इस प्रकार का सिक्वेंस चला, तो कहीं ना कहीं आप एनालॉजी पढ़ रहे, तो इसका जो इससे संबंध है यानी कि, अरे यार छोटा हो गया, इसका जो संबंध इससे है कहीं ना कहीं इसका भी यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वही संबंध होगा, तो हम देखते हैं एच, एच मतलब 8, ठीक है ना, एच मतलब 8, एस मतलब 19, अभी हमने बताया आई मतलब 9 और आर मतलब 18, देखिए हमें नंबर याद है तो हम लोग डायरेक्ट लिखे, अब इसका वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे कितना ये क्या कर रहा है 2 जोड़ रहा, तो कहीं ना कहीं ये 10 हो जाएगा, और कहीं यहाँ 2 घटा रहा, तो कहीं ये 17 हो जाएगा, ये 2 जोड़ रहा, तो कहीं 11 हो जाएगा, ये 2 घटा रहा है, घटा रहा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, अब इसका क्या 10 में, 10 में जे होता है आपको पता है, 10 में जे होता है, 17 में क्यू होता है, और 11 में के होता है, 16 में पी होता है, तो देखिए जो आएगा जे क्यू के पी, जे क्यू के पी, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए देखने को मिल रहा है, जे क्यू के पी, आपको ये पहला ऑप्शन में ही आपको देखने को मिल रहा है, तो ये था आपका, ये था किधर मिटाने वाला, ये था इस प्रकार बनेगा, हाँ तो इस प्रकार ये हमने बना लिया। अब देखिए हम जो है सेकंड वाला क्वेश्चन बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे सेकंड वाला भी आप बना लेंगे मुझे विश्वास, देखिए इसमें क्या है, देखिए डायरेक्ट नंबर लिखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू निकालना, तो पहले हमको यहाँ पे रिलेशन इन दोनों का चेक करना है कि ये दोनों का रिलेशन क्या है, तो 8 लिखेंगे, फिर 17 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 26 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ फिर जे का कितना होता है जी 10 होता है, फिर यहाँ पे दिया हुआ 19, फिर यहाँ पे बी का मतलब 2, फिर यहाँ पे दिया हुआ जी 11, क्या कर रहा है, इसमें 2 जोड़ रहा है, इसमें भी 2 जोड़ रहा है, इसमें भी 2 जोड़ा, इसमें भी 2 जोड़ा, सब में जोड़ रहा है, तो कहने की इसमें 2 2 जोड़ेंगे, तो डी, डी का मतलब 4 होता है, तो 2 जोड़ेंगे डायरेक्ट, अभी तो कर लेंगे, अब 2 2 जोड़ जाए काहे उतना टाइम वेस्ट करेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, एम एम का 13, 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 22 होता है तो 24 हो जाएगा 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे ई 5 होता है 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 6 में एफ होता है कोई दिक्कत नहीं हमें, 6 में एफ होता है, 15 में ओ होता है, 24 में एक्स होता है, 7 में क्या होता है जी होता है, तो एफ ओ एक्स जी कहाँ पे ऑप्शन लिखिए, देखिए ऑप्शन डी में एफ ओ एक्स जी आगे ऑप्शन डी, तो इस प्रकार क्वेश्चन आपका बनेगा, आप बनाओगे। अब यहाँ पे देखो आग, आग से धुआं निकलता है, तो जल से क्या निकलेगा, जल से कहीं ना कहीं जल, जल जो है लहर बनाती है, जल जो है अगर समुद्र में देखो तो ये लहर बनाती है, ठीक है, तो ऑप्शन ये वाला हो जाएगा लहर, आग अगर धुआं बनाती है तो जल क्या बनाएगी, लहर बनाएगी, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं ये लहर बनाएगी, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम बनाएंगे 25 नंबर, 24 नंबर ना, मिटा लेते इसको थोड़ा सा, वेट कीजिए, अब हम बनाएंगे 24 नंबर, ए ये तो आसान है जी, यहाँ पे क्या किया है ए बी और सी, यहाँ पे कुछ नहीं किया है, इसका मतलब जेड होता उल्टा, इसको वाई होता उल्टा, और इसका क्या उल्टा होता है जी, इसका उल्टा हमने बोला था, इसका उल्टा क्या होता है डब्ल्यू होता है, एक्स होता है, इस प्रकार यहाँ पे सी बोल दिया सी, तो सी का उल्टा क्या हो जाएगा, सी का एक्स हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, और बी का उल्टा क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, वाई लिखते हैं, और ए का उल्टा क्या हो जाएगा, लास्ट में ए है तो ए का उल्टा क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, तो एक्स वाई जेड कहीं ना कहीं एक्स वाई जेड आ रहा है,
तो एक्स वाई जेड किधर है जी? एक्स वाई जेड किधर है? ऑप्शन डी देखिए, तो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है सही है, एक्स वाई जेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, किधर गए? 25 नंबर, ए बी सी डी, इसमें तो कुछ किया नहीं है, बस उसी को ए बी सी डी को ही लिख दिया है, यानी कहीं ना कहीं अगर हम इसको डायरेक्ट करेंगे ए बी सी डी, तो क्या किया ये क्या किया है? बी को इधर किया, मतलब बी को बाहर कर दिया, यहाँ लिख दिया, और ए को यहाँ लिख दिया है, यही किया है ना जी? हाँ यही किया है, और सी को वैसे लिखने दिया है और बी को भी ऐसे रहने दिया है। तो आइए क्यू आर एस टी को भी हम ऐसे करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको टी ए लिखते हैं, इसको आर इधर लिख देते हैं और इसको हम क्यू लिख देते हैं, तो यही हो गया हमारा आंसर। आर क्यू एस टी किधर है? ऑप्शन आर 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 क्यू एस टी हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अब इसको समझ गए, मिटाते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 26, बी जी ई के, इसको देखना है संबंध, इसका निकालना है, तो निकालते हैं। बी मतलब 2, जी मतलब 7, और ई मतलब 5, और के मतलब 11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें हमें कोई दिक्कत नहीं। अब भैया यहाँ पे वाई का मतलब 25 होता है, ठीक है, ठीक है भैया लिखते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं है, तो और आसान, इसमें करना नहीं है यार। ये देखो हमने अभी बताया था बी फॉर बाय, बाय से बी वाई याद हो जाएगा, बाय 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 बाय, बी वाई याद हो जाएगा, बाय बाय, तो बी का वाई। जी से जीटी, जीटी रोड। ई से भी, ई से भी याद कीजिए, ई से भी, इसे भी लव वाला में, और केपी ठाकुर या पीके याद कर लो, इस प्रकार इसका उल्टा लिखना है। तो भाई ये तो और आसान है भाई, हम काहे उतना दिमाग लगा रहे थे, सोचने की जरूरत पड़ेगी। ए ए का पहले जेड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हमें। एफ का उफ तेरी अदा, तो यू लिखेंगे। ई का लव, लव यानी कि भी ई, तो ई लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जे, जैकलिन फर्नांडिस, तो यहाँ पे जे क्यू या जैक, यहाँ पे क्यू लिख देंगे। तो जेड यू ई के, जेड यू ई के, जेड यू ई के, जेड यू ई के किधर है जी? क्योंकि कहीं तो गलत किए हैं। अच्छा ई का भी होता है जी, यहाँ भी लिखना था, भी लिखना था, जेड यू भी क्यू हो जाएगा, ई का ई लिख दिए हैं, ये वाला भी होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे कहीं ना कहीं सी हो जाएगा, जेड यू भी क्यू, जेड यू भी क्यू है ना, ऑप्शन सी। चलो समझ गए होंगे ये वाला क्वेश्चन। 27 नंबर, वुड का टी एल पी आर आर दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे क्या है जी लास्ट में, कौन नंबर है जी? 27 नंबर, 27 नंबर में क्या यहाँ दिया हुआ था? यहाँ पे तो छुट्टा है कहीं ना, ओ होगा कहीं ना कहीं, ओ ए होगा, हमको लग रहा है ओ होगा, कहीं ना कहीं ओ होगा है ना, ओ होगा। हाँ हेलो, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये, अब यहाँ पे खाली स्थान निकालने बोला है, अब यहाँ पे खाली स्थान निकालने बोला है, ठीक है ना? तो अब पहले इसको, इसको निकालेंगे, इसको पहले करेंगे, तो हम लिखेंगे टी, टी का इसको लिखेंगे, टी वाला नीचे, या फिर ऊपर वाला भी लिख सकते हैं कहीं ना कहीं। अब देखिए 20, नहीं तो हम शुरुआत से लिखते हैं, चलो शुरुआत से लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है, या फिर इधर लिखोगे, क्योंकि इधर वाला आपको दिया हुआ, तो इधर वाला देखिए, इधर वाला निकालना है, इसी प्रकार इधर से इधर निकालना है, इसलिए हम बोल रहे थे। तो टी का 20 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं हमें। एल का 12 होता है, हम जानते हैं, 18 होता है, फिर 9 होता है, फिर 1 होता है, अब क्या किया है, 23, ये 23 बन जा रहा है, ठीक है, ये कितना बन रहा है जी? ये 15 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना बन रहा है जी? ये 21 बन रहा है जी, और ये कितना बन रहा है जी? 12 बन रहा है, और ये कितना बन रहा है जी? 4 बन रहा है। तो कहीं ना कहीं सब में तीन तीन जोड़ा जा रहा है ना, सब में तीन तीन जुट रहा है, सब में तीन तीन जुट रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी तीन तीन जुटेगा, तो हम काटते हैं, तो एक रुकिए इसको मिटाते थे, किधर गया, इसको मिटाते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा, ठीक है, हमने प्रोसेस जान लिया, ये ओ है, ठीक है। तो अब देखिए ए में तीन जोड़ेंगे तो ये वाला वैल्यू निकलेगा, ए में तीन जोड़ेंगे तो 4, 4 में डी होगा, 12 में एल का 12 होता है, तो तीन जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में ओ होता है, 11 के का होता है, 11 में तीन जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में कौन होता है जी? एन होता है, डॉन आ जा रहा है, डॉन, डॉन कहीं आ रहा है, ये तो डॉन यहीं पे आ रहा है, और कहाँ चेक करने जाएंगे, यहीं तक डॉन आ गया, तो डॉन यहीं तक आ गया, तो और डॉन को दिखना ही नहीं है, डॉन को छोड़ दो, डॉन गायब है ना। अब यहाँ पे ये देखिए, बिग ओ आर एन एक्स फिल्म दिया हुआ, तो इसमें क्या निकालना, अब इसमें क्या लिखे लेंगे, देखिए इसमें देखिए क्या लिखेंगे, देख क्या किया है, 2 करेंगे, 2 बी का, इसका 5 करेंगे, फिर 1 करेंगे, फिर 11 करेंगे, क्यों? क्योंकि आप देखो के का 11 होता है, ओ का कितना होता है जी? 15, यहाँ पे इसका 18, यहाँ पे 14, यहाँ पे ये कितना हो जाता जी, बोलिए, 24, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, सब में 13 जुट रहा, देखो इसमें सब में देखो कम 13, इसमें भी, इसमें भी 13, इसमें भी 13 जुट रहा, तो जुट के हो रहा, तो कहीं ना कहीं ये वाला वैल्यू में भी 13 जुटेगा। तो देखते हैं, एफ मतलब 6, आई मतलब 9, आर एल मतलब 12, एम मतलब 13, तो 13 13 जुटो, 13 जोड़ो, 13 जोड़ो, इसमें भी 13 जोड़ो, इसमें भी 13 जोड़ो, तो जोड़ के कितना हो जाएगा,
ये कहीं ना कहीं 19 हो जा रहा है, 19 में ऐसा आता है, ठीक है 19 में ऐसा है, तो ये 13 जोड़ेंगे तो 13, 13 से जोड़ो, फिर इधर देखो ना ऐसा आया, एस तो पहले आया एक ही में, तो बस इसी को मार दो ना सी, और हमको ज्यादा ध्यान ही नहीं देना है, इधर एक सी मार दो, एक ही में हमको कैलकुलेशन कर दो, इतना काहे निकालने जाएंगे जोड़ा जोड़ी, है ना। तो इस प्रकार जो देखे आप क्वेश्चन किस प्रकार बना। अब एक टाइप और आता है जो कि नंबरिंग टाइप है ना, ये नंबरिंग टाइप है कि संख्या का मिलान करना कि ये कौन सा संख्या किसमें आता है, और इसी प्रकार का क्वेश्चन करके ये और 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है और समाप्त। आज का ये चैप्टर आसान चैप्टर था तो ये समाप्त। अब हम कल चैप्टर 2 को इसी प्रकार देखेंगे, और जो जो ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं जल्द से ऐप डाउनलोड करो अपना, अगर तैयारी बेहतर करना चाहते हो तो 100 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक बुक भी खरीदो ना, क्योंकि हम 25 टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं और ये टेस्ट सीरीज आपके चलेंगे 20 से 21 22 23 को। अब एक इतना का जाके बुक मार्केट में तो आया नहीं है, 10 हम देखे मार्केट में, 10 10 प्रैक्टिस सेट का ही ले रहे, कितना 150 रुपया ले रहे आपको प्रैक्टिस बुक का, तो हम दे रहे हैं 25 प्रैक्टिस सेट बुक्स प्लस आपको सब पढ़ने के लिए दे रहे हैं, कितना 100 रुपया, वैलिडिटी 1 महीना, तो क्या ले रहे हैं आपसे, कोई ज्यादा तो अमाउंट ले नहीं दे रहे हैं आपको, है ना। तो इतना अगर सोचिएगा तो फिर हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट, उतना मेहनत भी हमें करना पड़ेगा अभी। अब 15 का इतना तो 25 का क्या होगा, तो 15 का स्क्वायर कितना होता जी, मतलब ये संबंध अगर इसमें दिया हुआ तो ये संबंध निकालना कि यहाँ पे क्या होगा, तो 15 का कहीं स्क्वायर करो तो देखो हम करते हैं कि 225 होता है देखते करके, और 5 अगर घटाते हैं तो 220 होता है, ठीक है उसी प्रकार देखते कि ये करके भी ये वैल्यू मैच कर रहा कि नहीं। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा, 5 घटाएंगे तो कहीं ना कहीं 620 आएगा, तो देखते हैं ऑप्शन में 620 है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसमें देखो ये कहने की 5 का स्क्वायर है नंबरिंग सिस्टम में, तो 5 का स्क्वायर 125 तो हो जाएगा, तो ये 64 किसका स्क्वायर होगा, तो कहने की ये 4 का क्यूब होगा, 4 का क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब बराबर 125 होता है, तो 4 का क्यूब बराबर हमारा क्या होता है 64 होता है, कोई दिक्कत नहीं ये सब हो जाएगा। ये वाला देखो, देखो ये वाले 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर अगर इतना होता है तो सोचो कि ये 289 कितना, तो कम से कम 30 तक तो स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए, तो ये 17 का स्क्वायर होता है। मैं आपको स्क्वायर का कुछ ट्रिक बताता हूँ, मैं बाद में बताऊंगा स्क्वायर करने का ट्रिक बाद में बताऊंगा, है ना, पहले आप ये जान लो स्क्वायर कैसे किया जाता है, थोड़ा सा सिखा दे रहे हैं रुको, स्क्वायर कैसे करते हैं देखिए, दो संख्या का अगर स्क्वायर करना चाहेंगे तो बहुत फास्ट आप कर पाएंगे, जैसे 17 का मैं दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे स्क्वायर करेंगे आप तुरंत, 7 × 7 = 49, पहले इसका स्क्वायर करना है, पहले इसका स्क्वायर करना है तो ये 49 होता है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है, और ये सभी को गुना कर देना है, तो 2 7 = 7 और 7 × 2 = 14, तो बीच में लिखेंगे हम लोग 14, तो क्योंकि ये 2 डिजिट का हम संख्या का गुना करने का आपको बता रहे हैं, तो आप करना क्या है सबसे लास्ट वाला लीजिएगा, तो लास्ट वाला 9 होता है कोई दिक्कत नहीं, और ये 4 इसके साथ जुटेगा तो ये कहीं ना कहीं 18 बन जाएगा, तो 18 का एक डिजिट लिखिएगा यहाँ पे, 18 कहीं ना कहीं ये बन जाएगा, तो ये 18 का एक डिजिट लिखिएगा 8, और ये एक इधर चला गया तो कुल मिला के 2 209। अब देखिए 29 का आप कैसे स्क्वायर करेंगे आपको आ जाएगा, देखो 29 का अगर स्क्वायर करना चाहो तो इसका स्क्वायर कितना होता जी, हम डायरेक्ट करते हैं लेकिन आपको दिखा रहे हैं, इसलिए ये 81 होता है, इसका स्क्वायर 4 होता है, सभी को गुना कर देना, तो 9 × 18 18 × 36 कहने का ये 36 हो जाएगा, एक का हम लोग यूं का तुम एक लिखेंगे, इसको इसके जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा, और 44 को 4 लिखेंगे यहाँ पे, और 4 इसके साथ जोड़ देंगे तो देखो 8, कितना फास्ट आपका स्क्वायर निकल गया। तो इस प्रकार आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था, अगर आपका ठीक है तो मैथ ठीक होगा, नहीं है तो समझ लो। अब यहाँ पे 32 नंबर क्या किया है कि 8 को यहाँ पे 28 बना दे रहा है, तो 27 को क्या बनाएगा, 8 को 28 देखो, तो 8 को हम लोग गुना करते हैं किससे जी बोलो, 8 4 कर सकते हैं, 8 4 8 4 कितना हो जाएगा, 8 3 करते हैं, 8 3 8 3 32, और इसमें 4 जोड़ दो, नहीं 8 3 24 और 4 जोड़ दो 28, तो करके देखते हैं ऑप्शन मैच कर रहा कि नहीं, तो 27 × 3 करेंगे 81 हो जाएगा, है ना 81 हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये 85 हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 85 बिल्कुल सही उत्तर है ना, सही है। अब ये तो और आसान है, ये वाला 33 नंबर आप देख लो खुद, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे सबका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है तो ये 7 का स्क्वायर है, देखो 7 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितना, 3 बढ़ रहा है उसके स्क्वायर कर दे रहा है, तो कहने के ये 10 का स्क्वायर है तो ये 3 जुटेगा इसमें तो 13 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर कर देंगे तो 169, इस प्रकार जो है डी आंसर। तो ये सारे आज का चैप्टर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, और कल हम एक नया चैप्टर हम लाएंगे जो कि सेकंड चैप्टर होगा इसका, क्योंकि जितना भी झारखंड के सिलेबस में आपके है वही चैप्टर करवा रहे हैं, 16 चैप्टर है तो 16 दिन में कंप्लीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें, अभी आपके पास टाइम है तो 16 दिन में रीजनिंग खत्म कर देंगे, और टीचिंग एप्टीट्यूड हिंदी वगैरह ये सब आपको खुद से आता है, आप जाके ऐप में जाइए सारा सॉल्यूशन वगैरह दिया हुआ पढ़िए समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।